पुलिस ने मेरी 20 तारीख की कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है और उल्टा मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने एक बार भी मुझे जांच में शामिल नहीं किया, मेरे बयान तक बुला करके नहीं पूछे गए। भोंडसी पुलिस द्वारा बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद बीजेपी नेता ने मीडिया के कैमरे के सामने हकीकत बयां करते हुए कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार करने वालों पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है। जिस कड़ी में मैंने भी जब भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई तो मेरे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दिया गया है ताकि उनकी पोल ना खुल सके। संदीप जी, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ भोंडसी थाना पुलिस में, एलिगेशन लगे हैं सरकारी कार्य में बाधा डालने के, झगड़ा करने के, जान से मारने की धमकी देने के, तो कितने सच्चे हैं और क्या मामला रहा पूरा? देखिए जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा में जीरो टॉलरेंस की और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को चला रहे हैं और ऊपर उन्होंने हर चीज़ को व्यवस्थित करके 100% काम को करने का काम किया है, लेकिन जीरो लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता होने के नाते और आम जनता होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और सरकार को बदनाम करते हैं, उनके आड़ में पैसे लेते हैं, उनके खिलाफ हम नीचे आवाज़ को बुलंद करें जी। यही काम मैंने वरुण वशिष्ठ नाम के जो जेई हैं नगर निगम के, जौनपुर के, जो अपने आप को जेई बताते हैं, उनके खिलाफ करने का काम किया। मेरे पास सैकड़ों शिकायतें इस चीज़ की आई हुई हैं कि उन्होंने 50,000 रुपये महीने का एक मंथली लोगों से बांध रखी है कि आप 50,000 रुपये महीने मुझे देते रहो तो मैं आपका मकान बनने दूंगा और 1,00,000 रुपये अगर दे दोगे तो 3 महीने तक आपके मकान को कुछ नहीं होगा। इन शिकायतों को मैं लगातार इग्नोर कर रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि इनमें कोई दम ना हो, लेकिन एक सच्ची शिकायत जब मेरे पास पहुंची मेरे गांव की एक बहन की कि वरुण वशिष्ठ जी ने 1,00,000 रुपये की डिमांड की है, नहीं तो उनके घर को ध्वस्त करने का धमकी दी है, तो मैंने वरुण वशिष्ठ जी से बात की। जब मैंने उनको ये कहा कि आप ये गलत कर रहे हो और मैं इसकी शिकायत आपकी निगम कमिश्नर को और SHO साहब को करूंगा, तो वो बिफर गए और उन्होंने मकान को तुरंत तोड़ने की, सील करने की और अपनी धौंस दिखाते हुए कहा कि मेरे होते हुए एक भी ईंट अब तुम इसमें नहीं लगा पाओगे। जब उन्होंने अपनी सरकारी धौंस दिखाई तो मैंने नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं, उनको लिखित में शिकायत दी 25 तारीख को और उन पे ये भी कहा कि अगर आपको चाहिए तो मैं जिन लोगों से इन्होंने पैसे लिए मैं उनको भी आपके सामने पेश कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, भोंडसी के मारुति कुंज के पास अवैध रूप से काफी कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं, जिसके निर्माण कार्य को लेकर जेई द्वारा 1 महीने का 50,000 रुपये व 3 महीने का 1,00,000 रुपये वसूला जा रहा है और अगर कोई ये राशि नहीं देता है या तो उसके मकान को सील कर दिया जाता है या फिर उसको तोड़ दिया जाता है। यानी कि अगर कहा जाए ये कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जमकर अवैध वसूली की जा रही है तो शायद गलत नहीं होगा। तो अपने बचाव में आते हुए, और मुझे लगता है कि वरुण वशिष्ठ जी के साथ कुछ ऊपर के अधिकारी भी मिले हुए हैं जो उसका बचाव करना चाहते हैं, तो उन्होंने मेरे ऊपर उल्टा दबाव बनाने के लिए मेरे ऊपर FIR करवा दी। मेरा उनसे कोई वाद विवाद नहीं हुआ, सिर्फ मैंने उनको ये कहा कि अगर आपने ये काम जल्दी से जल्दी बंद नहीं किया तो मैं ऊपर आपकी शिकायत करूंगा। उसी का नतीजा है, उसी आवाज़ को बुलंद करने का नतीजा है कि जो भ्रष्टाचार को रोकने की मैंने कोशिश की उन्होंने मेरे ऊपर गलत FIR करवा दी जी। तो यहाँ पर जिस तरीके से मकान बन रहे हैं तो क्या सभी मकान वालों से पैसे लेके जाते हो या? देखिए जी, उन्होंने तकरीबन एक वरुण वशिष्ठ जी के साथ एक 4-5 लड़कों की टीम है जिनका नगर निगम के किसी भी क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी एक ब्लू कलर की बलेनो गाड़ी है उनके पास में, क्योंकि ये प्राइवेट बात है, ये मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या गाड़ी होनी चाहिए। अगर वो हरियाणा सरकार की कोई गाड़ी लेकर आए तो भी हम समझें कि सरकारी काम चल रहा है। वो एक अपनी नीले रंग की बलेनो गाड़ी लेकर के आते हैं और उस बलेनो गाड़ी में फिर अपना धौंस दिखाकर कि मैं जेई हूँ और अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो मैं मकानों को तोड़ दूंगा। डर के वजह से लोग ये सोचते हैं कि हमारा 1,00,000 रुपये का नुकसान ना हो तो हम 25,000-50,000 रुपये दे दें। उनका अच्छा काम चल रहा है, आप वरुण वशिष्ठ जी की लाइफस्टाइल देखोगे तो उनकी एक रईस ज्यादे से कम लाइफस्टाइल नहीं है। बता दें कि नगर निगम के जेई द्वारा की जा रही अवैध वसूली की शिकायत पुलिस से लेकर नगर निगम के अधिकारियों तक दी गई थी, लेकिन आज तक भी ना तो पुलिस द्वारा जेई के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही अमल में लाई गई और ना ही नगर निगम के अधिकारियों ने कोई विभागीय कार्यवाही की, जिससे ये प्रतीत होता है कि इस खेल में जेई ही नहीं बल्कि विभागीय उच्च अधिकारी भी लिप्त है। लेकिन आपने भी उनकी शिकायत दी थी, आपकी शिकायत पे भी कोई कार्रवाई हुई क्या? देखिए, मैंने PC मीणा जी निगम कमिश्नर और जौनपुर के जो ज्वाइंट कमिश्नर सुमित कुमार जी को अपनी लिखित में कंप्लेंट दी हुई है जिसकी रिसीविंग मेरे पास है। हालांकि पुलिस ने मेरी 20 तारीख की कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है
और उल्टा मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए मुकदमा दर्ज करा दिया गया। लेकिन सवाल एक और भी उठता, जिस तरीके से आपने 20 तारीख को शिकायत दी पुलिस में और उसके बाद आपने अधिकारियों को भी शिकायत दी है और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ वो 8 तारीख को हुआ, तो इतनी लंबी जांच क्या की गई कि आपको शामिल किया गया इस जांच में? देखिए, मैं इसी बात पर सवाल उठाने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं कि 20 तारीख से आज 8 तारीख को, मतलब इतना बड़ा केस नहीं था कि 18 दिन तक इसकी जांच चले और पुलिस ने एक बार भी मुझे जांच में शामिल नहीं किया, मेरे बयान तक बुला करके नहीं पूछे गए, मुझसे ये तक नहीं पूछा गया कि आप मौके पर वहाँ थे भी या नहीं। सिर्फ सीधा 18 दिन की जांच के बाद जब उनको लगा कि इसने अपनी कंप्लेंट दे दी है, उन पर जो कार्रवाई होगी तो यहाँ एक मुकदमा दर्ज कर दें ताकि ये फिर अपनी जाँच से पीछे हो जाए। लेकिन मैं किसी भी सूरत में अपनी बात पर रहूँगा और वरुण वशिष्ठ जी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करता रहूंगा जब तक वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म। लेकिन आप ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर भी हैं, तो आप इस शिकायत को ग्रीवेंस कमेटी में क्यों नहीं लेकर? मैं बिल्कुल इस बात को ग्रीवेंस में अपने चेयरमैन साहब के सामने रखूंगा और लिखित में मेरे पास लगभग 20 लोगों की ये शिकायत है और वो लोग ये कहने को तैयार हैं कि हाँ, वरुण वशिष्ठ जी ने हमसे पैसे लिए हैं। मैं इस बात को बिल्कुल ग्रीवेंस में रखूंगा, आने वाले उसमें मैं एजेंडे में बिल्कुल इसको शामिल कराऊंगा। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात जाए और वरुण वशिष्ठ जैसे जेई जो नीचे हमारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो ऊपर इतनी अच्छी सरकार चल रही है, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ने पूरा कंट्रोल अफसरों पे करा हुआ है, नीचे के लोगों पर भी, ये जो नीचे के लोग जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, इनको नकेल कसी जाए और एक जाँच की जाए कि जब एक कार्यकर्ता और एक आम व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके ऊपर उल्टा मुकदमा दर्ज क्यों करा दिया जाता है, किन अफसरों की मिलीभगत से कराया जाता है। धन्यवाद। दरअसल जेई और बीजेपी नेता के खिलाफ यहां आपसी विवाद 20 अप्रैल को हुआ, जिसकी शिकायत बीजेपी नेता ने भोंडसी पुलिस थाना व नगर निगम के अधिकारियों को दी, लेकिन बीजेपी नेता की शिकायत पर आज तक भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, लेकिन जेई की शिकायत पर 18 दिन बाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हालांकि अभी मामले की जांच बाकी है और बीजेपी नेता द्वारा इस मामले को ग्रीवेंस कमेटी में रखने की बात कही गई है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि बीजेपी नेता की शिकायत पर कब तक कार्यवाही अमल में लाई जाती है और सरकार द्वारा जेई के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव के साथ मारुति कुंज से किरण कुमारी की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।